तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हाँ, मैं जानता हूँ यार, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली है। अरे यार, एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा सा हो गया यार। 10 दिन से नहीं जा रहा हूँ जिम। मैं भी जिम नहीं जा रहा हूँ, 10 दिन हो गए। और अब से मैं रेगुलर डालूँगा, मतलब हफ्ते में एक वीडियो तो आएगी आएगी। हफ्ते में एक वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा। तो आज 10 दिन हो गए, आज मैं जिम जा रहा हूँ। आज है चेस्ट। आप ऐसा नहीं कि पिछले हफ्ते गया था मैं जिम, पिछले हफ्ते भी एक दिन गया था। थोड़ा गैप मिल गया था एग्ज़ाम्स के बीच, तो गया था। अब एक न्यूज़ भी देनी थी यार आप लोगों को, कि न्यूज़ ये थी कि यार मुकेश गहलोत से मेरी बात हुई थी फ़ोन पर। बात ये हुई थी कि ऐसा था कि ट्रेनिंग देनी थी मुझे उनसे। तो मैंने बात करी कि क्या है, मतलब उनकी ट्रेनिंग का प्राइस और डाइट वगैरह। तो पहले कॉल किया उन्होंने, हमने कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया। मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट, देखना ऊपर दे दूंगा स्क्रीनशॉट, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी मैं बता दे रहा हूँ ऊपर। बात ये हुई कि उन्होंने बताया कि मेरा 60,000 है पर ईयर का चार्ज। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे बोला उन्होंने। तो उन्होंने बोलने के बाद मैंने रिप्लाई नहीं दिया कुछ। तो मैं सोच रहा था कि क्या रिप्लाई करूँ मैं, बात करूँ कि आगे की थोड़ा कम वम कर देंगे। तो उससे पहले उनकी कॉल आ गई। तो मैंने कॉल पे ही बोल दिया कि सर मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो यही सब बात उनसे चलती रही। तो ऐसा हुआ तो वो कहते हैं ठीक है मैं कम कर दूंगा। 60,000 थी प्राइस, तो उन्होंने 45,000 कर दिया। तो काफ़ी उन्होंने मतलब कर दिया। मतलब पहले तो मुझे यही नहीं विश्वास हो रहा था कि यार कि वो कॉल बैक करेंगे और उससे बात करेंगे। बस वही है, इतना हम्बल इंसान सोच रहा था भाई। फिर उसके बाद उससे बात बात हो गई। तो अभी तो नहीं कर पाएंगे ट्रेनिंग, अगले साल शायद मे बी हाँ करेंगे ज़रूर, ट्रेनिंग से लेंगे। बाकी पावर लिफ्टिंग अभी कंपटीशन होने वाला है जून में शायद से, तो या यूपी का या कानपुर का ही है। तो खेलेंगे, जाएंगे, दिखाएंगे आपको लिफ्ट्स। अभी तो चेस्ट वर्कआउट है, वो दिखाएंगे। और हाँ, पावर लिफ्टिंग से एक और रिगार्डिंग थी, एक चीज़ कहनी थी। मैंने एच एस एफ वालों से तो एच एस एफ वाले भी 7,500 रुपये, इसमें डोपिंग टेस्ट वगैरह भी होगा। तो ये इसलिए उनके 7,500 रुपये उनकी चार्ज थी, और 4,500 रुपये थी उनकी एनुअल रजिस्ट्रेशन था शायद, मतलब पूरे साल की मेंबरशिप थी। रजिस्ट्रेशन 7,500 था और मेंबरशिप थी 4,500 की। ये हुआ था। बाकी प्रॉमिस करता हूँ भाई, अगले साल एच एस एफ में ज़रूर कम्पीट करेंगे। बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग कुछ भी ज़रूर करेंगे। इस साल मेहनत करेंगे, जम के एकदम तगड़ी डाइट रखेंगे। चलिए मिलते हैं चेस्ट वर्कआउट में, आपको चेस्ट वर्कआउट दिखाते हैं। जिम आ चुके हैं यारों, वर्कआउट करेंगे अब। चेस्ट 3 किलो वजन गिरा भाई, 3 किलो, 3 किलो वजन, 3 किलो। देखो क्या होता है, बेंच करेंगे दिखाते हैं। चलो वार्म अप करेंगे फिर डायरेक्ट बेंच दिखाएंगे। तो ये फ्लैट बेंच के साथ अल्टरनेट में डंबल फ्लाइज भी है। वो रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ ये बेंच रिकॉर्ड किया हूँ। तो ये बेंच करने के बाद ट्राइसेप और शोल्डर भी रहती है, वो भी नहीं किया रिकॉर्ड। तो इतना किया है, देख लो भाई, बस लास्ट तक देखना भाई। तो एक बात और कहनी थी यारो। तो कुछ बंदों ने बोला था यार आवाज़ भी सही से नहीं आती है, और वीडियो क्वालिटी भी। तो भाई वीडियो क्वालिटी का तो अभी कुछ नहीं कर सकते, बट आवाज़ का यार मैं माइक भाई ख़रीदने वाला हूँ। माइक और ट्राईपॉड पहले लिया था यार, पर वो टूट गया। तो अब नया लेंगे अच्छी क्वालिटी का, तो लेंगे जल्दी लेंगे। थोड़ा सपोर्ट करो भाई बस। तो कोई देखने वाला होगा नहीं तो यार क्या ही मतलब बनेगा यार सब पैसा इन्वेस्ट करने का।
तो थोड़े सब्सक्राइबर्स हो जाएं 1,000 तक, फिर लेते हैं माइक और ट्राइपॉड। चलो भाई देख लो और कमेंट कर देना कैसी है वीडियो आगे। तो 70 किलो है भाई, 5 रैप लगाने थे बट 2 ही रैप लगे सेल्फ, बाकी बहुत फटीग था यार। 10 दिन बाद जिम कर रहा है इसलिए वजह शायद स्ट्रेंथ गिरी, वजन गिरा इसकी वजह से शायद से। पर ठीक है, डाइट भी ठीक से नहीं ली थी यार, पर अगली बार पक्का। दिस इज द रियल शिट, हड्डी आ गई।